नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, अभी देश में लॉकडाउन की स्थिति है और फ्रेंड्स, ऐसे में अगर किसी को दांत दर्द की समस्या हो जाए तो उसके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों दांत दर्द एक ऐसी समस्या है जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। दर्द की वजह से लोग रोने भी लगते हैं और फ्रेंड्स, लोगों का खान पान रुक जाता है जिससे कि व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे होममेड रेमेडी घरेलू नुस्खे बताऊँगा जिसके इस्तेमाल से आप अपने दांत दर्द की समस्या को मात्र एक मिनट में खत्म कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य देखें और हमारे बताए अनुसार इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में आई हुई घंटी को अवश्य दबा दें। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं आज के इस बेहतरीन नुस्खों को। दोस्तों, पहले नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले एक ग्लास की आवश्यकता पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, आप ग्लास में लगभग एक ग्लास की मात्रा में हल्का गर्म पानी लेंगे, गुनगुना पानी लेंगे और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको लेनी होती है दूसरी चीज़, वो है दोस्तों ये फिटकरी। दोस्तों, ये फिटकरी आपके दांत दर्द को मात्र एक मिनट में दूर कर सकती है। दोस्तों, इसके लिए आपको इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके पीस करके और इसका पाउडर तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने पहले से बहुत ही बारीक पीस करके रखा हुआ है। दोस्तों, आपको इसमें लगभग इतनी मात्रा में फिटकरी डालनी होती है। दोस्तों, इतनी मात्रा काफ़ी है आपके दांत दर्द को दूर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इतनी मात्रा में फिटकरी इसमें मिला दें और फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसे अच्छे से मिला दें। अच्छे से मिला देने के बाद दोस्तों, आपको जब भी दांत दर्द की समस्या आए तो दोस्तों, इससे आपको कुल्ला करना है। दोस्तों, इसके मात्र एक मिनट के बाद आप पाएंगे कि आपकी दांत दर्द की समस्या खत्म हो चुकी है। और फ्रेंड्स, दूसरे तरीके के लिए आपको लेनी होती है एक क्लीन बॉल और फ्रेंड्स, इसमें आपको लेनी होती है थोड़ी सी मात्रा में दोस्तों बारीक पीसी हुई ये फिटकरी। दोस्तों, आपको इतनी मात्रा में फिटकरी लेनी होती है और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको इसमें लेनी होती है थोड़ी सी मात्रा में ये दोस्तों हल्दी पाउडर। दोस्तों, हल्दी पाउडर में दांत दर्द को दूर करने की भरपूर क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स, आप इसमें इतनी मात्रा में हल्दी पाउडर ले लें और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको लेनी होती है ये दोस्तों अमरूद के पत्ते का पीसा हुआ पेस्ट। दोस्तों, अमरूद के पत्ते में एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं जो कि आपके दांत दर्द को दूर करते हैं, आपके दांतों से बदबू आती है उसे खत्म करते हैं, इसके साथ साथ आपके दांतों में कीड़े हो चुके हैं उसे दोस्तों बाहर निकालने का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर दें और फ्रेंड्स, मिक्स कर देने के बाद आपको इसका कैसे इस्तेमाल करना है ये जान लेते हैं। दोस्तों, आप इसे ले लें और फ्रेंड्स, इसे लेकर के अपने दांतों की सफाई करें। दोस्तों, जो भी दांत दर्द कर रहा है, जिसमें भी कीड़े लगे हुए हैं, उसे आप इस रेमेडी की मदद से सफाई करें। दोस्तों, इसके मात्र एक बार के इस्तेमाल से पाएंगे कि आपके दांत दर्द की समस्या पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और फ्रेंड्स, आप दांत दर्द की समस्या से राहत पा चुके हैं।